नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 मार्च को नंदीग्राम से नामांकन के बाद सड़क के रास्ते लौटते वक्त उनके पैर में लगी चोट पर सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम के बीच चोट भले ही ममता बनर्जी को लगी हो, लेकिन घायल विपक्षी दलों की राजनीतिक रणनीति हो गई है। यही वजह है कि एक तरफ लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी के नेता ममता की चोट लगने की घटना को सियासी ड्रामा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं पार्टियों के दूसरे नेता चोट को लेकर संजीदगी भी जाहिर कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि इनके शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर ली है। नंदीग्राम में चोट लगने के बाद 66 साल की ममता बनर्जी कोलकाता के सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ममता के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने घटना के बाद बयान जारी कर कहा कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और उनके ऊपर दरवाजा बंद करने की कोशिश की। उस वक्त उनके आसपास कोई पुलिस वाला नहीं था, ये साजिश है। वहीं कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता की चोट को ड्रामा बताया। कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि नंदीग्राम समेत पूरे बंगाल में स्थिति खराब होते देख ममता अब खुद पर हमले का नाटक करके लोगों की संवेदना बटोरने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी बहुत चोट तो किसी को चलते फिरते लग ही जाती है, लेकिन ममता केवल पाखंड कर रही हैं। अधीर रंजन का कहना है कि वे मुख्यमंत्री ही नहीं पुलिस मंत्री भी हैं। क्या आप मान लेंगे कि वहाँ कोई पुलिस नहीं थी? पूरे इलाके में सीसीटीवी है, जबकि जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं ममता बनर्जी की चोट के विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कई जगह प्रदर्शन किए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना और जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए। टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के एक समूह के बीच झड़प हुई, लेकिन स्थिति को तत्काल काबू में कर लिया गया। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।